नमस्कार दोस्तों, ये एक फीमेल हैंड है और इनकी आयु 29 इयर्स की होने आ रही है। 5 महीना यानी 5 मंथ्स कम पड़ रहे। इनका एक सवाल है फॉरेन सेटलमेंट, और ये 100% फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी या सीधी धनुषाकार रेखा बने, यानी धनुषाकार या सीधी रेखा बने, तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेन नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का। सेकेंड फैलेन नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और इतना मांसल नहीं है, यानी पैडिंग कम है, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर होता है। उंगलियाँ देखें तो छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के, और फास्ट निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। जुपिटर की उंगली बड़ी दिख रही है। जब आपकी सूर्य की उंगली से जुपिटर की उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम होता है। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है। ये एक तरह का रोग समझना चाहिए। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए उसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें हैं, और अगर ये स्क्वायर कंप्लीट होगा तो ऐसे लोगों को कितने भी संकट में आ जाए कोई ना कोई हेल्प करने वाला मिल जाता है, उस संकट से उभारने वाला मिल जाता है। और यहाँ पर ट्रायंगल भी है इनके हाथ में, तो इनोवेटिव मानसिकता भी रहती है, यानी नए तरीके से आपको कोई भी वस्तु आपके सामने रख देंगे। बुध पर्वत अपने आप में उभार है तो व्यक्ति सुंदर भी होता है और लाइने भी है, तो दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं व्यक्ति, बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। यहाँ पर ये जो लाइन है ये बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं ऐसे लोगों के, उनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। यहाँ पर क्लियर कट यश साइन है, व्यक्ति को फेम दिलाती है, और बहुत छोटे छोटे स्क्वायर साइन नजर आ रहे इस हाथ पर। तो मल्टी सिटी का काम इनके जीवन में रहेगा ही, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहने वाले लोग होते हैं ये लोग। इन्होंने जो सनमाउंट के फोटो भेजे है उसमें ये साइन निखर कर नहीं आई, पर मुझे लगता है ये साइन भी यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। सनमाउंट की इतनी क्लियरिटी नहीं है जितनी ये देनी चाहिए थी। यहाँ पर एक साइन नज़र आ रही है, किस जगह पर नजर आ रही है, और एक यहां पर भी है। कहीं नजर आ रहा है, एक आध दो छोटी छोटी यहां पर भी है, पर चाहिए वैसी क्लियरिटी नहीं है इनके हाथ में फोटोग्राफी में। एक यहां पर भी है, इस फोटो में भी और कोई देखने की कोशिश करते हैं। एक छोटी यहां पर भी नजर आ रही है,
यहाँ पर भी पॉसिबल है। इन्होंने काफ़ी समय लगाया फोटोग्राफी में, पर वो क्वालिटी नहीं दे पाए जो बाकी लोग दे पाते हैं। पर इनका जो मेन प्रश्न है फॉरेन सेटलमेंट, वो 100% फॉरेन सेटलमेंट इनके हाथ में नजर आ रहा है। शनि पर्वत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आलस्य नहीं होता। जुपिटर माउंट भी मेरे हिसाब से उत्तम ही है, तो पारिवारिक और सांसारिक प्रॉब्लम मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। हाँ, कोई हल्का सा टिल्टेड होगा यहाँ पर तो बात अलग है, बाकी ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में मिलते हैं। मंगल पर स्टार नजर आ रहे, तो ऐसे लोग समय के पाबंद होते हैं। मंगल रेखा पर ही है, इंडिविजुअल स्टार नहीं है, समय के पाबंद होते हैं। पर जो क्लियरिटी चाहिए, मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ, जो क्लियरिटी चाहिए वैसा ये फोटोग्राफ कभी नहीं दे पाए। अगर ये इंडिविजुअल यहाँ पर स्टार होगा तो एकर्स में जमीन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और मंगल मध्यम है तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। बाहरी मंगल एकदम अति उत्तम, इस तरह का बाहरी मंगल हो तो जब किसी से व्यक्ति मिलता है एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब फॉरेन सेटलमेंट, इनका जो मेन सब्जेक्ट था उस पर हम आते हैं। इनकी जीवन रेखा देखिए, कितनी सारी शाखाएं चंद्र पर्वत पर जा रही है, एक ये इंडिकेशन। धन रेखा का सूर्य पर्वत की ओर देखना, ये दूसरा इंडिकेशन। और तीसरा इंडिकेशन यहाँ पर क्लियर कट ट्रायंगल का होना, और वो भी कोई छोटा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को ट्रायंगल विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है या कभी बनाता है, पर मोस्ट ऑफली लोग ज़्यादातर विदेश से धन प्राप्ति के योग वाले ही मिलते हैं। और चंद्र पर्वत भी अपने आप में उभार है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। यहाँ पर अगर स्टार होगा तो ये व्यक्ति को शासन की ओर से यानी गवर्नमेंट की ओर से पुरस्कार दिलाता है या पेट खराब करता है, पर इतनी स्पष्टता नहीं है कि मैं 100% कहूँ कि ये स्टार है, पर आभास हो रहा है स्टार होने का। अभी इनकी उम्र काफ़ी छोटी है, पर यही अगर क्लियर फोटो दिए होते तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें उभर कर बाहर आती थी। शुक्र पर्वत भी नॉर्मल है, जैसा चाहिए व्यक्ति को वैसा है। हृदय रेखा उत्तम है, जुपिटर से ही निकल रही है तो भरोसे लायक इंसान होता है। और आगे चलकर ये कर्वी बन रही है, इस तरह की हृदय रेखा वाले लोग भावुक होते हैं, रोना तुरंत आता है इनको, ये इनमें माइनस पॉइंट रहता है। अगर कर्वी आपको चेन नुमा हृदय रेखा दिखे तो ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है लाइनें। माइंड लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुपिटर से स्टार्ट हो रही है तो ये अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनाती है और धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ती हुई यहाँ तक जा रही है। तो माइंड लाइन में ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ी सी कर्वी है पर इतनी भी नहीं है। अब जीवन रेखा पर चलते हैं। लगभग ये लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई होगी और उसके जस्ट बाद एक राहु रेखा आई, शादी के जस्ट बाद, तो इन इस रेखा ने तकलीफ भी दी होगी। और ये लाइन
31 के आसपास है जीवन में राहु रेखा। अब इसको पूरे फोटोग्राफ में ही देखने की कोशिश करते हैं। अट्ठाईस और 31 की राहु रेखा के बाद एक छोटी सी राहु रेखा 34 में आएगी, ये 36 में राहु रेखा आएगी। 36 से लेकर 40 यानी 40 तक छोटी छोटी बहुत सारी राहु रेखाएं, राहु रेखाएं इनको थोड़ी थोड़ी परेशानी देगी, इतनी बड़ी नहीं है पर है जरूर। उसके बाद ये 42 की राहु रेखा आएगी, उसके बाद 44 की राहु रेखा आएगी। 46 में बैक साइड से ऑफशूट है, ये भी लाभ देता ही है। फिर 48 में छोटी सी राहु रेखा है और बैक साइड में ऑफ शूट है, ये भी लाभ देता है और यात्रा करवाता है जब लाइन इस तरह से आगे बढ़ती है। तो उसके बाद 50 के आसपास एक राहु रेखा है, उसके बाद फिर यात्रा रेखा है 51 के आसपास, फिर 54 के आसपास या 53 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा है, फिर 55 में राहु रेखा है और 59 में बैक साइड से एक ऑफशूट भी है और उसके बाद भी ऑफशूट बने हुए ही है। राहु रेखा है पर उतनी बड़ी नहीं है, पर राहु रेखा जब भी आती है थोड़ी तो नेगेटिविटी देती है। अब धन रेखा पर कट देखे इनका, इनके धन रेखा पर भी कट चल रहे, ये लगभग 27 के आसपास कोई पारिवारिक खर्चा आया हो सकता है शादी का ही खर्चा आया हो। फिर 31 के आसपास कट है, यहाँ पर रुकावट आएगी। फिर ये इन्वेस्टमेंट लाइन है, अलग अलग समय पर इन्वेस्टमेंट कराएगी और उसके पहले भी कट है, बीच बीच में रुकावटें भी देगी, आर्थिक नुकसान भी दे। फिर यहाँ पर एक कट है 54, 57, 61 और ये फिर 62, 63 के आसपास कट है। तो बीच बीच में आर्थिक नुकसानों का भी इनको सामना करना पड़ेगा। अब फॉरेन सेटलमेंट मैं थोड़ा सा आभास दे पाता कि कौन से साल में होता, पर यहां पर ये वैसी मुझे क्लियरिटी नजर नहीं आ रही है और यहां पर जीवन रेखा टूट नहीं रही है। ये भी मैंने क्लियरिटी लेने के लिए बहुत कोशिश की पर यह सफल नहीं हो पाए। पर इस फोटोग्राफ में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा नहीं तो अगर जीवन रेखा ना हो तो भी जीवन संकटमय रहता है। इतना समय यहां से लेकर यहां तक का, पर ये उस लेवल का फोटोग्राफी कर ही नहीं पाए तो एक एवरेज के हिसाब से ये वीडियो बन रहा है। जो गहराई चाहिए वो नहीं मिल पा रही। अब धन रेखा पर देखें तो धन रेखा का व्यवस्थित फोटो है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मल्टीपल इनकम के सोर्स बने रहेंगे भरपूर, ऑलवेज मल्टीपल इनकम के सोर्स जीवन भर रहेंगे और धन रेखा में ऐसा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। बस जो कट है वो एक माइनस पॉइंट है, उसके अलावा कोई बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है। ये कट परेशान करेंगे बस। उसमें से एक दो इन्वेस्टमेंट वाले कट भी है तो धन रेखा जीवन भर खराब नहीं कहूँगा और मल्टीपल इनकम के सोर्स दिख रहे और फॉरेन सेटलमेंट 100% इनके हाथ में है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।